अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़र खान और आप देख रहे हैं अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं कराची से मोहम्मद असलम खान की इस रिपोर्ट से। इलेक्शन हमारे उम्मीदवारों के साथ धांधली हुई, सेरीना अदनान सदर पीटीआई सिंध, हम इलेक्शन कमीशन झल्लों के खिलाफ हर फॉर्म पे जाएंगे। सूफिया खान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट के ऊँचे हथकंडों, हम घबराने वाले नहीं, कंवल एजाज जनरल सेक्रेटरी शोबा खवातीन सिंध। इलेक्शन 2024 में होने वाली मुबीना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ की शोबा खवातीन सिंध के जेर एहतमाम इलेक्शन कमीशन सिंध के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग सिंध की सदर सेरीना अदनान खान की क्यादत में कंवल एजाज जनरल सेक्रेटरी सिंध, नायब सदर सिंध ईरम भट्ट, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अमरीन मलिक, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध सूफिया खान, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इरम काशिफ, जॉइंट सेक्रेटरी खालदा खान और नवाब शाह, डिवीजन की सदर हमीदा मसकूत शाह और दीगर पीटीआई की खवातीन ने कराची में होने वाले इंतखाबात में धांधली के खिलाफ कराची एहतजाज में भरपूर शिरकत से एहतजाज को सिंध इलेक्शन कमीशन के सामने कामयाब बनाया। मजीद खबर और अपडेट के लिए देखते रहिए अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ कराची।